ही युवा मोदी भक्त बन गया था। आज इसको समझ में आ रहा है कि मोदी भक्ति का फायदा क्या हुआ। आज उन पर FIR की जा रही, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। जो नौकरी तलाश रहा था, अब जेल की रोटी खाएगा। लाइफ सेवा जो आजकल लड़ रहे हैं, ये आतंकवादी नहीं है, बल्कि इन्हें आतंकवादी BJP बना रही है। कि देश जले, ट्रेन जले, चूंकि ट्रेन इनके बाप दादा ने नहीं बनाई, रेलवे स्टेशन इनके बाप दादा ने नहीं बनाया है। वो चाहते हैं कि देश जल जाए, सब बर्बाद हो जाए। युवाओं, इन्होंने अग्निवीर अग्निपथ बना करके देश को जलाने का और देश को अपमान करने का काम किया है। ये मजाक किया है इन्होंने, युवाओं के साथ भी मजाक किया है, भारत के साथ भी मजाक किया है, और सबसे सुरक्षित जो सेना मानी जाती थी उसको ठेके पे दे करके भारत पर कलंक लगाने का काम किया है भाजपा। चाह रहे थे वही हो रहा है। वो चाह रहे थे कि ये भारत है, ये धर्म निरपेक्ष भारत है, ये हरा भरा भारत है, ये संस्कृति सभ्यता का भारत है, ये संतों गुरुओं का भारत, ये जल जाए, खत्म हो जाए, इसीलिए प्लान करके वो जानबूझ करके लाए हैं। इससे बेरोजगार रोडों पर आ जाए, जिन पर केस लग जाए, वो बर्बाद हो जाए, ताकि वो नौकरी ना मांगे, क्योंकि भाजपा के पास नौकरी है नहीं। जब इन पर केस लग जाएंगे, ये जेल चले जाएंगे, 5-6 धाराएं इन पर लग जाएंगी, फिर नौकरी लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि वो नौकरी दे नहीं पा रहे हैं। जो उनका आंतरिक मकसद था BJP वालों का, वो पूरा हो रहा है। देखिए आदरणीय मोदी जी और भाजपा, ये जो योजना लाए थे, इनका आंतरिक जो मकसद था, वो मकसद उनका पूरा हुआ, जैसा वो चाह रहे थे भाजपा वाले, कि हम ऐसी योजना बनाएंगे जिससे देश जल पड़े, जिससे बेरोजगार रोडों पर आ जाए, जिन पर केस लग जाए, वो बर्बाद हो जाए, ताकि वो नौकरी ना मांगे, क्योंकि भाजपा के पास नौकरी है नहीं। जब इन पर केस लग जाएंगे, ये जेल चले जाएंगे, 5-6 धाराएं इन पर लग जाएंगी, फिर नौकरी लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि वो नौकरी दे नहीं पा रहे हैं। जो उनका आंतरिक मकसद था BJP वालों का, वो पूरा हो रहा है, ये मैं बता दूं आपको। तो बेरोजगारों के साथ मजाक किया जा रहा है? बिल्कुल मजाक है, आज से नहीं, जब से वो आए तब से कर रहे हैं, और लगातार कर रहे हैं, आगे भी करेंगे ये लोग। तो सर, जो सेना में फिर लोग कहाँ से जाएंगे, इस तरह से विरोध होगा? तो ये दूसरा इनका मकसद ये भी था, ये योजना लाने का, कि जो सवर्ण व्यक्ति 15% का व्यक्ति जो इनके साथ आएगा, वो ट्रेनिंग शुदा हो जाएगा, इसे 4 साल बाद RSS में शामिल कर लेंगे। और जो SC OBC मानोटी का जो वो आ जाके आर्मी में जाएगा 4 साल बाद, वो अच्छा सिक्योरिटी गार्ड बन जाएगा। इनका मकसद ये है, वो बाकी बर्बाद हो जाएगा 4 साल बाद, सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगा ट्रेनिंग शुदा। और जो सवर्ण होगा, उसे RSS में शामिल करके गैर हिंदुओं को मारेंगे, उनको मार के भगाने का काम करेंगे। ये भी दूसरा प्लान इनका है, ये आंतरिक है, जो हम RSS के लोग बता रहे थे। सर, मोदी सरकार जितने भी कानून लेकर के आई, सबका विरोध हुआ है बड़े पैमाने पर, क्या कुछ सोचती नहीं सरकार पहले, कानून लाने से पहले, कोई स्कीम लाने से पहले? देखिए, उनकी पाठशाला नफरत की पाठशाला है, उनकी पाठशाला में यही सिखाया जाता है, वो कर रहे हैं। वो ना कभी अमन ला सकते, ना कभी चैन ला सकते, ना समृद्धि सोच सकते हैं, ना किसी का भला सोच सकते हैं। उनका मकसद है, चूँकि उनके बाप दादाओं ने भारत नहीं बनाया, वो तो बाहरी लोग हैं, बाहरी संस्कृति वाले लोग हैं, बाहरी कल्चर वाले लोग हैं, उनका DNA इज़राइल से मिलता है, वो क्यों भारत का भला करेंगे, आप बताइए। ये बुद्ध का, नानक का, कबीर का, बाबा साहब का देश है, इस देश को वो स्वर्णिम क्यों बनाएंगे? वो कह रहे हैं कि सेना को युवा बनाना है। नहीं, सेना हमारे पास ऑलरेडी इतनी है, अगर उनको ये साधन संसाधन मुहैया करा दें, तो अमेरिका और चाइना से ज़्यादा हमारे पास वैसे ही पावरफुल सेना है। ये मजाक किया है इन्होंने, युवाओं के साथ भी मजाक किया है, भारत के साथ भी मजाक किया है, और सबसे सुरक्षित जो सेना मानी जाती थी, उसको ठेके पे दे करके भारत पर कलंक लगाने का काम किया है भाजपा। ठेका है और क्या है, जैसे रेलवे बेचा, हवाई जहाज़ बेचे, हवाई पट्टियाँ बेची, हवाई अड्डे बेचे, LIC बेची, और बहुत सारी कंपनियाँ बेच दी, वैसे उन्होंने सेना को भी ठेका पे दे दिया है। कहा जा रहा है एक बड़ा अमाउंट लेके जाएंगे 4 साल बाद, ये तो कुछ भी काम कर सकते हैं, 1,00,000 रुपए मिलेंगे बाद में। देखिए, जिन पे अपराध घोषित नहीं हो रहा है, साबित नहीं हो रहा, उनके घर ये बिल्डोजर चला रहे हैं, और जो पैसे लेकर के अरबों खरबों विदेश में भाग गए हैं, इनके राज्यसभा मेंबर हैं, उनके घर कभी सम्मान ये नहीं भेजते। इससे साफ जाहिर होता है कि दोहरे चरित्र के लोग हैं, दोहरी नीति के लोग हैं, ये भारत का कभी भला नहीं चाह सकते। तो सर, देश तो जल रहा है, ये आग बढ़ती जा रही है सर। जो वो चाह रहे थे वही हो रहा है। वो चाह रहे थे कि ये भारत है, ये धर्म निरपेक्ष भारत है, ये हरा भरा भारत है, ये संस्कृति सभ्यता का भारत है, ये संतों गुरुओं का भारत, ये जल जाए, खत्म हो जाए, इसीलिए प्लान करके वो जानबूझ करके लाए हैं। पर सर, युवाओं में तो बड़ा गुस्सा है, पिछले 2 साल से भर्तियां नहीं निकली है सेना में। उन्होंने आठ साल ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लोगों को गुस्सा ना आया हो।
जैसे किसान बिल है, जानबूझ करके पास किया, लगभग 1000 किसान मार डाले इन्होंने, जाने कितने लोग बेचारे कर्जी हो गए, काम नहीं कर पाए, बॉर्डरों पे पड़े रहे। मैं खुद 8 महीने रहा और बाद में वापस ले लिया इन्होंने। राज कह रहे हैं कि इनकी जांच करो, ये छात्र नहीं है, ये विपक्ष के लोग हैं। ये जो सिखा रहे हैं ना कि जांच करो, सरकार जब बदलेगी, अच्छे अच्छे तानाशाह चले गए तो गिरिराज की भी जाँच होगी। ये बिल्डोजर चला रहे हैं लेकिन हम JCB चलाएंगे, ज्योतिबा छत्रपति और बाबा साहब बुद्ध का आंदोलन हम चलाएंगे। हम कभी बदला लेने वाले लोग नहीं हैं, टिट फॉर टैट वाले लोग नहीं हैं। ये चाहे जितना नुकसान हमें पहुंचाए, अगर कभी बहुजन विचारधारा बुद्ध का आंदोलन सत्ता में आता है तो कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे जैसा ये लोग कर रहे हैं। तो सर, ट्रेन जलाना उन्हें आपके हवाले करना, ये कहां कर रहे हैं? ये वो जानबूझ के करा रहे हैं, बीजेपी ये स्टंट है उनका, और क्या। वो चाहते हैं कि देश जले, ट्रेन जले, क्योंकि ट्रेन इनके बाप दादा ने नहीं बनाई, रेलवे स्टेशन इनके बाप दादा ने नहीं बनाया है। वो चाहते हैं कि देश जल जाए, सब बर्बाद हो जाए, युवाओं पे केस लग जाए ताकि कोई रोजगार हमसे ना मांगे, वो लड़ाई कराना चाहते हैं। तमाम मीडिया फायदे बता रही है इसके। मीडिया फायदे बता रही, वो मोदी से पैसे लाई होगी, अडानी से पैसे लाई होगी, इसलिए फायदे बता रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये इन्होंने अग्निवीर अग्निपथ बना करके देश को जलाने का और देश को अपमान करने का काम किया है। देखिए सर, जो बीजेपी के सांसद हैं, विधायक हैं, वो फायदे बता रहे हैं इसके जगह जगह पर सोशल मीडिया पर। देखिए, फायदे तो हम आपको बता दें कि पूरे 8 साल में बड़े बड़े उद्योगपति बर्बाद हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन बर्बाद हो गए, पूरी दुनिया के लोगों को घाटा हुआ है, अडानी अम्बानी को ये अकेला फायदा हुआ है। ये सारी दुनिया जान गई है कि ये क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, इनके दोहरे चरित्र उजागर हो गए हैं, आम जनमानस जाग गया है। यही युवा मोदी भक्त बन गया था, आज इसको समझ में आ रहा है कि मोदी भक्ति का फायदा क्या हुआ। आज उन पर FIR की जा रही, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, जो नौकरी तलाश रहा था अब जेल की रोटी खाएगा, लाइफ अपनी खराब करेगा। भंते जी, मोदी सरकार ने जो एयरपोर्ट के हैं, बस स्टेशन है, वो ठेके पर दिए 50-50 साल के लिए अडानी को, लेकिन नौकरी 4 साल के लिए दे रहे हैं युवाओं को केवल। उनका बस चले तो हमारा मोहल्ला, हमारा घर, देखिए सब कुछ ठेके पे तो चला ही गया। हवा, पानी, भोजन और सूर्य का प्रकाश ठेके पे बचा है। किरणें भी इन्होंने बेच दी, जिसके माध्यम से आप फ़ोन करते हैं, किरणें भी इन्होंने बेच दी। हवा अभी बची है, पानी बचा है, सूर्य का प्रकाश बचा है। अगर ये भाजपा रही तो हवा भी ठेके पे दे देगी। आप कितनी हवा ले रहे हैं सुबह शाम? पानी भी ठेक, पानी का तो रेट लग ही रहा है ना, आजकल पैकिंग पानी बिक रहा है, लेकिन ये पानी का और मोल लेंगे। हम जो समर से पानी निकालते हैं इसका भी टैक्स वसूलेंगे, और ये सूरज के प्रकाश का भी हम लोगों से पैसा वसूलेंगे कि आपने सूरज का प्रकाश कितना लिया। ये वो लोग हैं, इनका बस चलेगा तो मेरे रोने पर और मेरे खुश होने पर भी टैक्स लगा देंगे। लेकिन सरकार अब पीछे हटी है, 2 साल और बढ़ाती है। क्या 6 साल कर दिया? नहीं, 21 से 23 कर दिया, पहले 21 था ना, 17.5 से 21। मैं तो चाह रहा था कि बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी के समर्थकों की, उनके कार्यकर्ताओं की सूची बनाई जाए और इस योजना में पहले इनको 6 साल के लिए भेजा जाए और अन्य लोगों को 40 साल के लिए, 30 साल के लिए नौकरी दी जाए। अगर ये वहाँ रह करके खुश हो जाएंगे तो ये योजना को आगे बढ़ा दिया जाए। पहले इस योजना का लाभ बीजेपी के नेताओं के खानदान को दिया जाए, परिवारों को दिया जाए, मैं ये चाहता हूँ। सर, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आगजनी कर रहे हैं युवा लोग, कोई इनको नौकरी ना दे, ये असामाजिक तत्व है, ये अपराधी है। देखिए, कोई असामाजिक तत्व नहीं होता है, ये लोग बनाते हैं। कोई यहाँ बागी नहीं है, कोई बदमाश नहीं था, कोई नक्सली नहीं था। जिनको हक, अधिकार, मान सम्मान नहीं मिला, जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, उन्होंने हथियार उठाए, वो अपने हक अधिकार के लड़ रहे हैं। मैं ऐसे 10ों नाम आपको गिना दूं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, बस हक अधिकार की आवाज़ उठाते थे, उनको मार दिया गया, उनको जहर दे दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, उनकी ज़बानी जेल में काट दी इन्होंने, सिर्फ इसलिए कि आवाज़ उठा रहे हैं। और ये युवा जो आजकल लड़ रहे हैं, ये आतंकवादी नहीं है, बल्कि इन्हें आतंकवादी बीजेपी बना रही है। ये जो कुछ हो रहा, देश में आग लग रहा है, इसकी जिम्मेदार बीजेपी है।